जी अल्लाह की पनाह, अम्मी कहती होंगी ये कुछ शैतान से पनाह मांगते हैं, कुछ अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं इंसान के ऊपर कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ उनके लिए। तुम्हारा नाम वाकई पनाह है जी? नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें इसी नाम से पुकारते होंगे। बस कुछ पीना कुछ पना कुछ पीना कोलाडा तो चलता रहता है। सो भाई आप कब वायरल हुए? मैं मेरे पास काउंट अपना है नहीं कि मैं कब वायरल हुआ। जैसे इन्होंने बताया ना 2017-18 कुछ सन होगा ना। मेरी कुछ वीडियोस थी मैं अपलोड करता था। अच्छा। और मैं वायरल इस मुल्क में तो बहुत लेट हुआ। अच्छा, तो मेरे पहले पड़ोसी मुल्कों में वायरल हो गया। वहीं के कुछ दोस्त थे, वहीं वीडियो चलती थी, वहीं देखते थे, वहीं से व्यूज आते थे। बांग्लादेश और इंडिया से? इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। नेपाल, और मुझे वो लोग इंडियन नहीं समझते थे। अच्छा, हाँ। तुम्हारा नाम भी तो पना है ना, तो वो लाइक। और फिर कुछ अरसे बाद उनको दरियाफ्त हुआ कि भाई ये तो पाकिस्तान से, तो फिर उससे फिर पाकिस्तानी आना शुरू हुए मेरे पास। तो तुम्हारे बोलने का स्टाइल भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि पीछे से मैं ऐसे में कश्मीरी हूं ना, तो वो एक वैसा भी एक तरीका। अच्छा 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 जी। तो वो फिर उसके बाद तुम पाकिस्तान में कब वायरल हुए? पाकिस्तान में बस ये शोज वगैरह करता रहा, कुछ वीडियोस वायरल मतलब चलना शुरू हुई, कुछ मैंने फिर जानबूझ के जो ना सलवार कमीज पहन के गाना गाना शुरू कर दिया कि लोग देखें कि भाई यार। और मैं दूसरे लोगों को मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप फिल्मों में देखो जो मुसलमान होते हैं वो बिल्कुल ही चेंज, बुरका उठा के बोलती है या फिर अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज करिए, तो वो और पान भी खा रहा होता है हर मुसलमान। आई डोंट नो व्हाई। और फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लोकेशन डालना शुरू कर दी। अच्छा, कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, तो कमेंट्स आना शुरू हो गए भैया पाकिस्तान। घर का एड्रेस तो नहीं डाल दिया? घर का नहीं डाला, बस ये बताया कि पाकिस्तानी हूँ। हाँ। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता। तो आपका क्या होता है, पूरा ग्रुप मिलकर आप लोग गाते हो या क्या? मेरा असल में ये है कि कुछ दोस्त के साथ हम लोग जैमिंग करते थे, मेरा अपना जैम रूम है, हम वहाँ पे म्यूजिशियन ज्यादा हम जैम करते रहते हैं। तो वो करते करते मैं खुद भी कहीं ना कहीं सिंगर बन गया। सोचा नहीं था बनने का, बस बन गया। तो जब सिंगर बन गया, जैसे मैंने सबसे पूछा प्लान बी क्या है तुम्हारा पना? मेरा प्लान बी तो फिलहाल म्यूजिक ही है। प्लान मतलब पढ़ लिख लिया है कि नहीं? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। और सही है भाई, कोई कुछ ना कुछ है। हाँ। मुझे बड़े बच्चों की फिक्र है, मैं इसलिए इन सब के ये पूछ रही हूँ एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि जो हमारे नई जनरेशन है वो पढ़ लिख कर अगर आए ना, जो भी टैलेंट है उनका, तो वो कभी भी पढ़ाई रायगा नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही। और वो यहाँ पे मिसालें हैं आप लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही। के तो अब जरा हो जाए कुछ लॉ जज साहब तो नहीं कहूंगी, वकील साहब, वकील साहब सुनाए जरा कुछ गाना। अच्छा, मैं पहले ही माजरत कर लूँ कि मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रही थी काफी वक्तों से, तो थोड़ा सा गला खराब है उस्ताद जी, माजरत। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो तुम सितम ठाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वाले, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। आप इस तरह तो होश उड़ाया लगी जी, आप इस तरह तो होश उड़ाया लगी जी, क्यों बल सवर के सामने आया लगी जी, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। क्या बात है भाई, मतलब आज तो मजा आ गया ना।
सुबह सुबह इतनी रूह की मुझे गजा ऐसी मिल गई कि पूरा दिन मैंने आप लोगों का अच्छा बना दिया, तो बहुत जबरदस्त भाई माशाल्लाह एक से एक बढ़कर। और सबसे अच्छी बात यह कि सब तुम लोग पढ़ रहे हो और इस चीज को जान रहे हो कि एजुकेशन की भी बड़ी अहमियत है टैलेंट के साथ, ये तो अल्लाह की देन है। सो क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे फिलहाल ये हैं कि लॉ साथ साथ चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, उसके अलावा प्रोडक्शन से काफ़ी मेरा लगाव है। अच्छा। तो मैं और ही प्रोडक्शन वीडियो प्रोडक्शन ये सारी चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, और उसके अलावा मेरे अपने कुछ कोलैबोरेशंस और ओरिजिनल्स पे काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विद जवाद हैदर, अ वेरी बिग नेम ऑफ इंडस्ट्री, और कुछ ओरिजिनल्स चल रहे हैं, उसी की रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं, वीडियोज़ चल रही हैं, तो अन करीब मेरा अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट वो आने वाला है। वेरी नाइस। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.